अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम कई दिनों से ये देखते आ रहे हैं कि इंसानी जानें तलफ होती जा रही हैं, वही महकमा ट्रैफिक की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल की डेट में जो वाकया पेश आया और एक ही कुंबे के चार अफराद जो है इस हादसे का शिकार हो गए। यहाँ सिर्फ महकमा ट्रैफिक की जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे बल्कि आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। जहाँ एक गाड़ी के अंदर 8 या 9 सवारी बैठने की आती हैं और अगर उसी गाड़ी में 10 सवारियां या 15 सवारियों को बिठाया जाता है तो यहाँ पर आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ड्राइवर से बात करें और उससे पूछें कि वो किस हक से जहाँ 9 सवारियों की जगह है कैसे वो 15 सवारियां बिठाता है। हम आरटीओ कश्मीर से गुजारिश करते हैं कि ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो इस तरह की लापरवाही बरतने में अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। जहां पे भी आपको लगता है कि जिस गाड़ी में आप बैठे या ड्राइवर अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी खुदगर्जी कर रहा है, तो वहां पे एक आम इंसान भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है कि जहां एक गाड़ी के अंदर सिर्फ 8 सवारियां बैठ सकती या 9 सवारियां बैठ सकती है और उसी गाड़ी में अगर 15 सवारियों को बिठाया जा रहा है, वो लोग जो है जो उस गाड़ी में बैठे सवार हैं, क्या वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार है? उस गाड़ी के अंदर जो बैठने वाले लोग हैं क्या वो जिम्मेदार नहीं है? साथ ही साथ आरटीओ कश्मीर से हमारी गुजारिश है कि कुछ ऐसे चालान जो पेंडिंग है, जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पे अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है उसके बाद ऑनलाइन एक फोटो लिया जाता है और बाद में उसका जो ऑनलाइन चालान होता है, ई चालान जिसे कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्तों की ये शिकायत है कि जो जिन गाड़ियों के चालान पेंडिंग है उनको पता भी नहीं है कि उनके चालान हुए हैं, यानी कि उनके नंबर जो है वो अपडेट नहीं। उनकी आरटीओ कश्मीर से गुजारिश है कि जो पुराने चालान अभी भी पेंडिंग है उनको कालादम किया जाए और आगे से वो अपने नंबर उसको गाड़ी के साथ जो है अपडेट करेंगे ताकि आगे आने वाला अगर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करता है और तुरंत उसको मैसेज मिले ताकि उसको पता चलेगा कि उसका कोई ऑनलाइन चालान हुआ है। और जहां पे भी आपको लगे कहीं पे भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, आप बाज़ाब्ता तौर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं या फिर आप उस गाड़ी का नंबर नोट करें जिस गाड़ी में आप बैठे, जहां आपको लगे कि इन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, उसके खिलाफ बाद में जो है डिपार्टमेंट एक एक्शन लेगा ताकि आने वाले दिनों में हमें इस तरह के हादसा देखने को ना मिले और इंसानी जानी जो है वो तलफ ना हो। कश्मीर ट्रिब्यून के लिए श्रीनगर से मैं जान मोहम्मद।